नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर अजीत यादव ट्रिकी मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो हो वो रैखिक समीकरण का जो प्रश्न बनता है, हर एक परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न आपको जो बनता है उसी से संबंधित है, किस प्रकार का रैखिक समीकरण से सवाल पूछा जाता है। तो आइए, रैखिक समीकरण का जो सवाल बनता है उसको हम देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आप अभी तक नए आए हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब कलर का बटन आ रहा है उसको क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और उसके बाद एक नोटिफिकेशन का घंटी का बेल का निशान आएगा उसको भी आप क्लिक कर करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इससे क्या होगा कि जो वीडियो मैं डेली के डेली डालता हूँ आपको सबसे पहले उसका लिंक मिलता रहेगा। तो आइए, प्रश्न देखा जाता है, जो रैखिक समीकरण का प्रश्न बनता है ये आपको दिया गया है, यदि दो संख्याओं का योगफल 140 और उनका अंतर 20 है तो तीन प्रकार से इसमें प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न, उन संख्याओं को ज्ञात करो। दूसरा, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। और तीसरा, संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब दो संख्याएं हैं और उनका योगफल और अंतर दिया रहता है तो उसको कैसे हल किया जाता है? तो इसको आप, जब दो संख्याएं हैं और उसका योगफल भी है अंतर भी है, तो आप समझिए कि वो संख्या दोनों अलग अलग हो सकती है। तो मान लेते हैं कि दोनों संख्याओं का जो योगफल दिया है 140, ये यक्स के बराबर है, यक्स के बराबर है। इसको आप देखिए, अभी इससे फार्मूला बनाएंगे जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और दोनों संख्याओं का जो अंतर है ये वाई, यानी कि 20। दोनों संख्याओं का जो योगफल है ये 140 के बराबर और अंतर जो है 20 के बराबर। तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं को ज्ञात करना है तो इसमें एक बड़ी संख्या हो सकती है, एक छोटी संख्या हो सकती है। तो बड़ी संख्या अगर आपको निकालना है संख्याओं में से, यहां लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर आपका निकल कर आएगा, मतलब इसका फार्मूला जो बन जाएगा एक्स प्लस वाई बटे दो करिए, मतलब कि संख्याओं का योगफल, मतलब 140 संख्याओं का योगफल प्लस संख्याओं का अंतर बटे दो। इसको हल कर देते हैं तो उनमें से बड़ी संख्या आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 160 मिल जाएगा, और जब इसमें दो का भाग लगाते हैं तो 80 आ जाएगा। तो मतलब बड़ी वाली संख्या आपकी 80 आ गई। अब इसमें से छोटी वाली संख्या अगर निकालना है, छोटी वाली संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे दो, मतलब कि संख्याओं का योगफल में से संख्याओं का अंतर को अगर घटा दिया जाए तो उसका, और दो से भाग लगा दिया जाए तो छोटी वाली संख्या मिल जाएगी 140 माइनस 20 बटे दो। इसको हल किया जाए तो आपका आ जाएगा 120 बटे दो, भाग लगाएंगे तो 60 पाएंगे, मतलब कि बड़ी वाली संख्या आपको 80 और छोटी वाली संख्या आपको 60। ये इस प्रकार से बहुत ही ट्रिकी आप अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बन रहा है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का गुणनफल अगर आपको निकालना है तब वहां से आप क्या करते हैं, ये आप देख लीजिए, ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अगला, संख्याओं का गुणनफल, दूसरा वाला प्रश्न आ रहा है, तो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। यहां से लिख देते हैं संख्याओं का गुणनफल। इसका जो फार्मूला हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे में एक्स माइनस वाई बटे चार, यानी कि चार से भाग लगाइए, संख्याओं का जो योगफल दिया है उसको लगाइए, फिर आप संख्याओं का जो अंतर दिया है उन दोनों को जोड़ दीजिए, दूसरे वाले ब्रैकेट में आप संख्याओं का जो योगफल दिया उसको लिखिए, फिर संख्याओं को अंतर को उसमें से घटा दीजिए और चार से भाग लगा दीजिए, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हो जाता है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये आप लगाएंगे 140 प्लस 20, दूसरे ब्रैकेट में 140 माइनस 20 बटे चार। इसको हल किया जाए तो 140 में अगर 20 जोड़ते हैं तो 160 हो जाता है, और जब 120 40 में से 20 आप घटाते हैं तो 120 हो जाता है, और चार से भाग लगाते हैं तो चार चौके ये 16 हो जाता है, जीरो, यानी कि 12 चौक 48।
यानी कि उन दोनों संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो 4800 आएगा। अभी अभी हमने निकाला था कि संख्या, बड़ी वाली संख्या आपको निकली थी 80 और छोटी वाली संख्या निकली थी 60। अगर इसका गुणा किया जाए तो 8 6 48, ये देख रहे हैं उन संख्याओं का गुणनफल 48 आ रहा है। अब इस प्रकार से अगर उसका योगफल और अंतर दिया है तो उन संख्याओं का गुणनफल आपको निकालना है। इस फार्मूले से आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो दूसरा हो गया दोस्तों। अब तीसरा हम देखेंगे कि संख्याओं का अनुपात, जो संख्याओं का अनुपात दिया है उसको कैसे निकाला जाएगा। तीसरा वाला जो है संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात, अगर अनुपात निकालना है तो क्या करना है आपको, इसका फॉर्मूला एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, कहने का मतलब दी गई संख्याओं का योगफल में दी गई संख्याओं के अंतर को जोड़िए, फिर बटे करके दी गई संख्याओं का योगफल में से दी गई संख्याओं का अंतर को घटा दीजिए। तो इसको लिखते हैं 140 प्लस आपका 20 बटे 140 माइनस 20, इसको अगर हल करते हैं तो 160 और इसको हल करते हैं तो 120। जीरो से जीरो कट जाएगा, चार से भाग लगाएं तो चार हो जाएगा, चार तीन 12 हो जाएगा। दी गई संख्याओं का मतलब कि उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा चार अनुपात तीन होगा। हमने क्या निकाला था, पहली वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या 80 निकाला था और छोटी वाली संख्या 60 निकाला था। अगर इन दोनों का अनुपात निकाला जाए तो 80 बटे 60 करते हैं तो ये यहाँ से आप चार से भाग लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका, दो से भाग लगाते हैं तो 2 4 8, 2 3 6, 4 अनुपात 3, इसका अनुपात देखिए इस प्रकार से आ गया आपका। तो इस प्रकार से आपको रैखिक समीकरण का दोस्तों जो भी प्रश्न मिले बड़े ही आसानी तरीके से आप उसका गुणनफल निकाल सकते हैं, बड़ी या छोटी संख्या निकाल सकते हैं, संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।